गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 152। हमारा टॉपिक है हाइडिंग एंड अनहाइडिंग डाटा। डाटा को हाइड और अनहाइड करना भी फॉर्मेटिंग का एक पार्ट है। हम अभी मेथड सीखेंगे कैसे हम डाटा को हाइड और अनहाइड करते हैं। आप ये वीडियो फुल स्क्रीन मोड पे ही देखिएगा। हमारा मेथड है फॉर्मेट मेन्यू में जाकर रो और हाइड। रो को हाइड करना है तो आप सबसे पहले रो को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू में जाइए और उसके बाद रो हाइड। और इसी तरह से अगर आपने कॉलम को हाइड करना है तो आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके कॉलम और हाइड। जैसे ही आप फॉर्मेट मेन्यू में क्लिक करेंगे आपके पास रो और कॉलम दोनों ही ऑप्शन है, शीट भी है, सेल भी है। आप रो को सिलेक्ट करेंगे, रो में है हाइड। और इसी तरह से जब आप अनहाइड करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है नीचे शो। फॉर्मेट मेन्यू में जाकर रो और शो। अगर हमने हाइड करना है तो शो करेंगे और अगर हाइड करना है तो हाइड ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। जब हम अपने डाटा को हाइड करते हैं, जो हिडन डाटा होता है हमारे स्क्रीन पर, ना तो वह विजिबल होता है और ना ही वह प्रिंट होता है। जब हम प्रिंट आउट लेते हैं, जो हिडन डाटा जो होता है वह प्रिंट नहीं होगा और विजिबल भी नहीं होगा। और जब हम कॉपी करेंगे तो वह डाटा दूसरे रो में एज इट इज कॉपी हो जाएगा, हमें शो हो जाएगा। यहां आपको फॉर्मेट मेन्यू, रो और शो, अनहिडन की मेथड बताया गया है और ऊपर हिडन का मेथड बताया गया है। अभी हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमने एक शीट बनाई है जिसमें हमने सीरियल नंबर, नेम, फादर सेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और टोटल मार्क्स दिए। अब देखिए हमें टोटल मैथ जो है हमारे स्क्रीन पर कट रहे हैं। अगर हम अपने स्क्रॉल बार से मूव करके मार्क्स देखते हैं तो हमारे पास क्या है, नेम शो नहीं हो रहे। और हमें दोनों ही देखने हैं, मार्क्स भी देखने हैं और सीरियल नंबर भी देखने हैं। एक तो हमारा मेथड है या तो हम इसकी विड्थ को कम कर लें, और दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास जो कॉलम एक्स्ट्रा है जिसकी अब यहाँ जरूरत नहीं है, हम उसे हिडन कर सकते हैं, बाद में उसे अनहिडन करके प्रिंट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। हमारे पास यहाँ फादर नेम है, हमने क्या किया, फादर नेम कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्लिक किया फॉर्मेट कॉलम हाइड। यह हमारा कॉलम जो है हाइड हो गया है और अब हम अपना डाटा इजीली देख पा रहे हैं। और अगर हम इसे अनहिडन करना चाहते हैं तो अगेन फॉर्मेट मेन्यू, कॉलम, शो। पहले हमने रेंज सिलेक्ट की, फॉर्मेट मेन्यू, रो और शो। अब हमारा डाटा अनहिडन हो गया है। हमने कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड करते ही हमारा डाटा जो हमारी लास्ट कमांड थी वो दोबारा से अंडू हो गई है। अब हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ देख हम अपना डाटा सिलेक्ट करेंगे। हमने 5 रो तक सिलेक्ट किया है, अब हम इसे यहाँ इसके आगे पेस्ट करेंगे। जैसे ही हमने पेस्ट किया, यहाँ देखिए हमारा यहाँ फादर नेम हिडन था और जब हमने कॉपी किया है तो हमारा फादर नेम शो हो रहा है। यहाँ कॉलम की विड्थ को हम इक्वल कर देंगे, डबल क्लिक किया हमने कॉलम सिलेक्ट करके। यहाँ देखिए हमारा फादर नेम आ गया है जो डाटा हमारा हिडन था। कॉपी करते समय वह डाटा शो हो जाएगा जहाँ हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसे प्रिंट करेंगे और जब हमने इसे हाइड कर दिया है, ना तो ये स्क्रीन पर शो होगा और ना ही प्रिंटेड कॉपी में, हार्ड कॉपी में हमारा शो नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। हम इस डाटा को यहाँ से रिमूव कर देते हैं कंट्रोल जेड से या अंडू से। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन लगाई जाए किसी भी एक पर्टिकुलर सेल पर, रो पर या फिर कॉलम पर। एक पर्टिकुलर
क्राइटेरिया सेट करके एक कंडीशन लगाना। हम सिलेक्ट करेंगे वो कॉलम जहां हमने कंडीशन लगानी है। हमने टोटल का कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेन्यू में, फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हमने यहाँ दिया सेल वैल्यूज, सेल वैल्यूज हमने सिलेक्ट की हुई है। आगे कंडीशन है हमारी इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। हम लेस देन और इक्वल टू दोनों देंगे और यहाँ हम लिखेंगे अपने मार्क्स। यहाँ देखिए आपके पास तीन सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। तीनों 100-100 मार्क्स के हैं, हमें 33 मार्क्स लेने जरूरी हैं। टोटल हम यह कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, टोटल में अगर किसी के 100 मार्क्स हैं तो वह पास है, अदरवाइज फेल। हम यहाँ 100 लिख रहे हैं। 100 लिखते ही हम इस पर फॉर्मेटिंग करेंगे न्यू स्टाइल्स में। न्यू स्टाइल्स में गई, यहाँ हमारे पास सेल स्टाइल डायलॉग बॉक्स आया है। सेल स्टाइल डायलॉग बॉक्स में हम सिलेक्ट करेंगे फॉन्ट। फॉन्ट में हम सिलेक्ट करेंगे कि जो हमारे 100 से कम मार्क्स हैं वह बोल्ड इटैलिक हो जाए। उनका हम फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। वरदाना साइज हम चेंज नहीं कर रही, हम फॉन्ट इफेक्ट्स डाल रहे हैं। फॉन्ट इफेक्ट में है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में हम देंगे जो स्टूडेंट 100 मार्क्स से कम है, जो फेल है, वह रेड कलर के हो जाएं। हमने रेड कलर दे दिया है। और अगर अंडरलाइन देना चाहते हैं तो हम अंडरलाइन भी दे सकते हैं। हमने यहाँ डबल अंडरलाइन सिलेक्ट कर ली है। ओके, और यहाँ जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी अब हम इसे ओके कर देंगे। यहाँ देखिए हमारे पास टोटल में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स टोटल से यानी कि 100 से कम थे वह रेड कलर के भी हो गए हैं और डबल अंडरलाइन भी हो गए हैं। इसी तरह से हम यह इस शीट में भी सिलेक्ट करके पूरी शीट में भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। हमने शीट सिलेक्ट की, फॉर्मेट मेन्यू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इक्वल टू और लेस देन हमने कर दिया यहाँ 33। और न्यू स्टाइल्स में हमने दे दिया उसी तरह से ही फॉन्ट इफेक्ट रेड कलर। अब हमने ऑरेंज कलर दिया है, हम ऑरेंज कलर दे रहे हैं यहाँ। और अगर बोल्ड करना चाहते हैं हम बोल्ड भी कर सकते हैं। उन्हें बोल्ड सिलेक्ट कर लिया हमने और ओके। अब हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी ओके कर देंगे। यहाँ देखिए जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 33 से कम थे वे हमारे ऑरेंज कलर के दिखने लगे हैं, शो हो गए हैं। इस तरह से हम अपनी शीट पर, नंबर्स पर, कहीं पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कंडीशन जिसके अनुसार हम अपना डाटा अपनी शीट पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। सॉर्टिंग डाटा का मतलब है अरेंजिंग डाटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, कि अपने डाटा को पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करना, चाहे वह असेंडिंग हो और चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। हम असेंडिंग डिसेंडिंग न्यूमेरिक वैल्यूज में भी सेट कर सकते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी अपने टेक्सचुअल वैल्यू को सेट कर सकते हैं, अपने डाटा को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और एनालाइज करने के लिए। हमारा जो मेथड है डाटा को सॉर्ट करने का वह है, दैट इज डाटा मेन्यू सॉर्ट ऑप्शन। उसके बाद डाटा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि हमें असेंडिंग लेना है, डिसेंडिंग लेना है, जिस तरह से भी हम लेना चाहते हैं वह डाटा सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं, हमने डाटा सिलेक्ट किया, डाटा मेन्यू में गई, सॉर्ट ऑप्शन, हमने सॉर्ट किया जी कॉलम पर। हमारा जी कॉलम है टोटल का, हमने इस पर सॉर्टिंग लगाई है। उसके बाद हम लेना चाहते हैं इस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग,
हम इसे डिसेंडिंग ले रहे हैं। हमने डिसेंडिंग पे क्लिक किया और हमने प्रेस किया ओके बटन। ओके बटन प्रेस करते ही जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे हमारे पास, वह स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आ गया है, उसके बाद सेकेंड। अब हम यहाँ लिख देंगे रैंक, हमने रैंक लिखा और हम इसे सीरियल कर देंगे कि हमारी क्लास में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और फेल कौन है। अब हमने दोबारा से इस डाटा को सिलेक्ट किया, डाटा सॉर्ट। अब हम सॉर्ट करेंगे इसे ए पर, ए कॉलम के अनुसार हम इसे सॉर्ट करेंगे, अरेंज करेंगे। हमने यहाँ सिलेक्ट किया कॉलम ए आर, असेंडिंग में कर रहे हैं हम। सबसे पहले रोल नंबर 1 आए, फिर 2, फिर 3, तो हमें असेंडिंग करना है डाटा को सॉर्ट। और हमने क्लिक किया ओके बटन पर। यहाँ देखिए हमारे रोल नंबर वाइज वैसे के वैसे ही हमारा डाटा आ गया है। और अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो रोल नंबर 5 था वह फर्स्ट है, सेकेंड कौन है हमारे पास। सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स के आगे उनकी रैंक भी आ गई है, और जो सॉर्ट करना बहुत ही आसान था। और इसी तरह से हम ज़्यादा डाटा को भी एक साथ सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग बना सकते हैं। आज का हमारा इतना ही था, आप लोग प्रैक्टिकल जरूर करके देखिएगा। थैंक यू।